नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल FTR तेजस पार्टी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आप थोड़ा जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है, तो ये कंपनियां बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती हैं और इससे लोग भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा देती हैं कि जो सुनता है वो पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाता है। और जब वो जुड़ जाता है तो तब समझता है कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। और वो घूमता रह जाता है, प्रोडक्ट कहीं खरीदता है, बेचता है और कस्टमर सेट करता है, जोड़ना पड़ता है उसको। मतलब कि वो जो आदमी होता है वो घूमता रह जाता है। और इससे अच्छा तो अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट होगा और आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा। और एक बात और सोच लीजिए कि जब आप सभी को जोड़ देंगे तो वो तो अपनी आईडी से खरीदेंगे, आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो आपको प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से होगी, है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपके सारे डाउट जो है मैं सिर्फ एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में दोस्तों जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए जो है वो थोड़ी सी भी जो आ रहे हैं इसी में एफिलिएट मार्केटिंग में, वो थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो वो सक्सेस हो जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग आजकल, मतलब कि हर कोई, लगभग हर कोई जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। बस यही कंपनियां जो है, अमेजोन फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका देती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको इनमें जो है वो अपना एफिलिएट अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर आप अपने एफिलिएट अकाउंट से जब किसी प्रोडक्ट के लिंक शेयर करेंगे और कोई जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट के लिंक से जो है सामान खरीद लेगा, तो आपको जो है वो प्रॉफिट उसका मिल जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से होता है, किसी में 10%, किसी में 8%। और एक बात दोस्तों, मान लीजिए आपके लिंक से किसी ने कोई सामान जो है वो क्लिक किया किसी लिंक पर, और वो सामान ना खरीद कर कोई दूसरा सामान खरीद लेता है, फिर भी आपको प्रॉफिट होता है। अब आपके मन में दो क्वेश्चन उठ रहे होंगे। पहला कि ये सामान जो है, प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे, इनके क्या पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो होगा आपका कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिंक शेयर करते हैं तो क्या उसका पहला पैसा, जो मतलब कि उस सामान को खरीदेगा, तो उसका पैसा क्या ज्यादा उसे पे करना पड़ेगा या कि फिर उसका पैसा ज्यादा पड़ जाएगा। और जरूरी भी है, क्वेश्चन तो उठने ही चाहिए। तो मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो जो आपको सामान मिलेगा वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आप जिस प्लेटफॉर्म में जो है अपना एफिलिएट अकाउंट बनाओगे वही कंपनी आपको बिल्कुल फ्री में जो है वो प्रोडक्ट देंगे शेयर करने के लिए, और उसका प्रॉफिट लिंक शेयर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जहाँ सामान का जितना पैसा था उतना ही पैसा रहेगा भले आप शेयर करो। जैसे कि पहले सामान का मान लीजिए 500 रुपए था, फिर आपने उस सामान की जो है वो लिंक शेयर की, फिर भी उसका पैसा 500 ही रहेगा, पैसा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारी पेज जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्यारे यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।